हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तिदन ठाकुर। टुडे यू विल अंडरस्टैंड द 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स। लास्ट टाइम वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 8.1, सो कंटिन्यू एक्सरसाइज कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। So that diagonals of quadrilaterals are equal and bisect each other at right angle, then its square. अभी तक जो प्रूव करते आए थे हम उस टाइप का ही आपको प्रूव करना है, बट अब आपको प्रूव करना है स्क्वायर। मैथ्स चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 5। Diagonals of quadrilaterals are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. Then it is a square. ऐसा आपको प्रूव करना है। दोनों उसके डायगोनल सेम हैं और इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ऐसा भी आपको दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, मेथड आपको माइंड में सेट करनी होगी, तभी आपको रिमेंबर रहेंगे ये थोड़ा चैप्टर और एक्सरसाइज। ऐसे इजी है बट आपको थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखना है। चलो, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, AC and BD are equal and intersect at point M as a right angle। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिल गया, AC is equal to BD, ये मिल गया आपको। अब इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट और बाइसेक, इक्वल एंड बाइसेक। इंटरसेक का मीनिंग सिर्फ टच करेंगे और बाइसेक का मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे दो इक्वल पार्ट कौन से होंगे, तो ये पार्ट यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम डी। हाफ ऑफ ए सी ऐसा लिख सकते हो या तो हाफ ऑफ बी डी ऐसा लिख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन हुआ कंप्लीट, फिर से एक बार देख लो, ए सी का हाफ हो गया ये बी डी, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि बाइसेक करते हैं एक दूसरे को। एंड ऑल आर 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए एम बी ये एंगल, उसी तरीके से ये एंगल बी एम सी, ये एंगल सी एम डी is equal to angle DMA is equal to 90 degree। ये complete हुआ। तो ये दो triangle लेते हैं हम AMB and CMB, जैसे हर questions में करते हैं वैसे ही हम करने वाले हैं। AM equal to MC already आपको दिया गया है। दूसरा बात, जो एम बी है कॉमन साइड है एंड ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो एक एंगल हुआ, दो साइड हुई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल by using side angle side theorem। उसके बाद CPCT से हम दोनों साइड को इक्वल करेंगे, इतना तो हम सभी सम में करते ही आए हैं। CPCT
सीपीसीटी थ्योरम होंगे। तो इसी तरीके से सभी साइड इक्वल आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इन अ सिमिलर वे वी प्रूव दैट ए बी बी सी सी डी ए डी ऑल साइड्स आर इक्वल। इतना कंप्लीट हुआ। अब आपको दिखाने हैं एंगल। तो एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल डी बी ए एंड सी बी, डी ए बी मोस्ट ऑफ समय आप यही करते आए हम, डी ए बी एंड अनदर ट्राइंगल सी बी ए, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट तो आपका ए डी जो है बी सी से इक्वल है, ए डी जो है बीसी से इक्वल है क्योंकि ऑल साइड तो इक्वल ही है, बी डी इक्वल टू ए डी, ये तो साइड है तो ऑल साइड्स तो इक्वल पहले ही पूर्व कर चुके हैं, ये भी कॉमन साइड आ गई और एक आपको मिल गया डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल है। ये कॉमन साइड और ये दोनों गिवन इन डाटा से ऑलरेडी इक्वल दिए गए हैं। तो उससे क्या हमें मिला कि यहाँ पे एंगल ए और ये ट्राइंगल में एंगल बी इक्वल हो गए सीपीसीटी थ्योरम से। सीपीसीटी थ्योरम यूज किया तो उसके लिए क्या हमने इक्वल दिखाया, तो ये दोनों ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय यूजिंग साइड 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 रूल्स। ये रूल्स की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स मिले हमें, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स मिले। तो कॉन्ग्रुएंट्स मिलने की वजह से सीपीसीटी थ्योरम से एंगल इक्वल मिल गए। अब सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ऐसा प्रूव किया हमने। तो इन सिमिलर वे एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं, ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360, बट ऑल एंगल आर इक्वल देयरफॉर 4 एंगल ए 360, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 90। तो एंगल ए की वैल्यू क्या मिली हमें, एंगल ए की वैल्यू क्या मिली 90 मिली। फिर से एक बार सभी जो एंगल है उसका एडिशन होगा 360, बट हमने प्रूव किया इस तरीके से कि ऑल एंगल आर इक्वल। तो एंगल बी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, सी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल डी की जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं। तो ऐसे तो एंगल ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 एंगल ए हुआ तो 360 हुआ। फोर एंगल ए इज इक्वल टू 360, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 4 यानी कि 90 हुआ। तो ये आपका आंसर हुआ।
ऑल एंगल आर इक्वल मिल गए, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो वी से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. इस तरीके से पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में सॉल्व करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 होमवर्क में करने. हिंट में आपको यहाँ पे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 6 में करना क्या है वो पहले देख लो. क्वेश्चन 6 डायगोनल्स ऑफ एसी, डायगोनल्स एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 की बात करते हैं. डायगोनल्स एसी इस तरीके से आपको दिए गए हैं. एबीसीडी बाइसेक एंगल ए, जो एंगल ए है वो क्या होता है बाइसेक कर रहे हैं, यानी कि हाफ हो जाएगा. पूरा एंगल 60 का होगा तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 30-30 में, तो बाइसेक होगा ये इस तरीके से 30-30 में डिवाइड हो जाएगा. ऐसा कहा गया है. तो एंगल इंटरसेक्ट बाइसेक एंगल सी एंड ए बी सी डी इज अ रॉम्ब, बस ऐसा प्रूव करना है. तो सिंपल वे में देखते हैं हम. जेड शेप क्रिएट होगा. क्यों जेड शेप क्रिएट होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे. दूसरा जो जेड शेप होगा वो इस तरीके से जेड शेप होगा, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे. उसके बाद ये एंगल सेम होगा जो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ वो, बट ये जो दो एंगल है वो तो एंगल कैसे है सेम है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे सेम हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल सी है इस बाइसेक एंगल सी आल्सो. तो उसके लिए आपको लिखना होगा क्या अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये दो आपको फिगर रिमेम्बर रखनी है, ये जेड शेप और दूसरा जेड शेप. तो ये जेड शेप के लिए दो लाइन पैरेलल, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये ऐसा हो सकता है. उसके बाद एंगल ए का हाफ करेंगे, एंगल ए का हाफ करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, यानी कि ये पार्ट्स मिलेगा. दूसरा ये एंगल का हाफ, ये और दो ऑलरेडी ये दो एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे. अब ये एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि ये एंगल की साइड ये होगी, ये एंगल की साइड ये, तो ये दोनों साइड कैसी हो जाएगी इक्वल हो जाएगी. इसी तरीके से यहाँ पे आप करोगे तो ये एंगल की साइड ये अपोजिट साइड, यहाँ पे ये एंगल के अपोजिट से अपोजिट साइड ए, तो इस तरीके से आप सेम एंगल होंगे तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी. तो ऐसा करेंगे तो ऑल साइड इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार. ABCD is a rhombus so that diagonal AC bisect A as well as angle C and diagonal BD bisect angle A as well as angle D. ABCD जो है ऑलरेडी आपको ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है साइड, तो पहले जेड शेप फाइंड करना होगा. तो जेड शेप के लिए rhombus ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड पैरेलल होगी, ये दोनों साइड इक्वल प्लस पैरेलल दोनों होंगी. तो जेड शेप आपको क्रिएट करना है सी ए बी, सी ए बी ये एंगल और ए सी डी ये एंगल के बीच में आपको जेड शेप क्रिएट करना है. तो ये जेड शेप फर्स्ट हुआ.
उसी तरीके से अनदर जेड शेप, यानी कि जेड शेप लेना है और जेड शेप के बाद आपको लास्ट में प्रूव करना है कि एंगल जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों होमवर्क में ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर से क्वेश्चन नंबर 7-6 करना है आपको और 7 करने की ट्राई करनी है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।